हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अकबरी की ममता के मददगार बने अमेरिका के सुधीर, हर महीने देंगे $100। मदद में जरिया बनी आईएएस आनंदी व आहोर वीडियो विशाल। कोरोना से पिता की मौत हो चुकी, 7 साल पहले मां का निधन। अमेरिका में रहने वाली सुधीर ने आहोर क्षेत्र के अकबरी गांव की अनाथ ममता की सुध ली। इस पुनीत कार्य में जरिया बनी आईएएस आनंदी व आहोर के विकास अधिकारी विशाल सिपा। सुधीर ने इस बच्चे की परिस्थिति को समझते हुए इसके जरूरतमंद समझा और इसके 18 वर्ष की उम्र होने तक हर महीने $100 बच्ची ममता को भेजने का भरोसा दिलाया। अकबरी की 10 वर्षीय ममता मीणा के पिता लालाराम मीणा की कोरोना बीमारी में मौत हो गई थी। करीब 7 साल पहले ममता की मां की भी मौत हो गई थी। करीब 7 साल पहले ममता की माता का प्रसव के दौरान निधन हो गया था। 24 जुलाई को ममता के अकाउंट का वेरिफिकेशन हो चुका है। 28 जुलाई को $100 के रूप में ममता के अकाउंट में जमा होंगे। अमेरिकी भामाशाह ने एक जरूरतमंद बालिका के लिए जो कदम उठाया है वो अब प्रेरणादायी बन गया है। दरअसल अमेरिका में व्यवसायी सुधीर वेंकटराज भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने मन में इच्छा जताई कि कुछ ऐसी जरूरत का भी वो हिस्सा बनना चाहते हैं जो वाकई जरूरतमंद हो। इसके लिए उन्होंने उनके जानकार आईएएस आनंदी से इस संबंध में बात की। आनंदी ने उदयपुर में अधिकारी रहे वर्तमान आहोर विकास अधिकारी विशाल सिपा को इस बारे में बात की। आहोर बीडीओ सिपा ने आहोर पंचायत समिति के गाँवों में इस प्रकार की तलाश की। उन्हें आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के अफगरी गांव में 10 वर्षीय ममता मीणा की जानकारी मिली। बीडीओ सिपा ने ममता की परिस्थिति को देखकर संबंधित जानकारी का वीडियो सुधीर वेंकटराज को भेजा। अकबरी की 10 वर्षीय ममता मीणा के पिता लालाराम मीणा की इस कोरोना बीमारी में मौत हो गई थी। करीब 7 साल पहले ममता की माता का प्रसव दौरान निधन हो गया था। वर्तमान में ममता उनके चाचा प्रताप राम मीणा के साथ रहती है। ममता पढ़ लिख कर सक्षम बन सके, इसी भावना से अमेरिकी भामाशाह सुधीर ने यह पहल की। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गैलोट की रिपोर्ट।